वैश्विक स्तर के लगभग सभी मंचों पर मात खाने के बाद भी पाकिस्तान लगातार कश्मीर का मुद्दा उछालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कोई सुन नहीं रहा। अब तो खाड़ी के देशों ने भी इस मुद्दे को भारत का आंतरिक मुद्दा बताकर पल्ला झाड़ लिया है। पाकिस्तान को ओआईसी से उम्मीद थी, लेकिन ओआईसी का सबसे ताकतवर देश सऊदी अरब भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अब पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी को धमकी दी है कि यदि सऊदी ने साथ नहीं दिया तो वह उन मुस्लिम देशों की सभा बुलाएगा जो कश्मीर में उसके साथ खड़े हैं। यहां तक कि पाकिस्तान ने अपने नए आका तुर्की की ओर इशारा किया है, क्योंकि ओआईसी में वह एकमात्र देश है जो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान अपने नए आका तुर्की और एर्दोगन को खुश करने के लिए मुस्लिम देशों का सबसे ताकतवर देश सऊदी अरब को धमकी दे रहा है, जो आज नहीं तो कल इस कर्ज में डूबे देश को बर्बाद कर सकता है। संक्षेप में कहें तो पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अपना अस्तित्व के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहा है। दरअसल पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY को दिए एक साक्षात्कार में कुरैशी ने कहा, मैं एक बार फिर से पूरे सम्मान के साथ ओआईसी से कहना चाहता हूं कि विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक हम चाहते हैं। यदि आप इसे नहीं बुला सकते तो मैं प्रधानमंत्री इमरान खान से यह कहने के लिए बाध्य हो जाऊंगा कि वे ऐसे इस्लामिक देशों की बैठक बुलाएं जो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार है। यानी यदि ओआईसी ने जम्मू और कश्मीर पर अपने विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक नहीं बुलाई तो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्रों की एक अलग बैठक बुलाएगा जो कश्मीर मुद्दे पर उसके साथ हैं। यहां पाकिस्तान का सीधा इशारा तुर्की की ओर था, क्योंकि चीन के बाद सिर्फ तुर्की ने ही कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया है। अब ओआईसी के अंदर उसे केवल तुर्की से उम्मीद है, क्योंकि मलेशिया से समर्थन तो मिलने से रहा। मलेशिया फिर से भारत के खिलाफ जाने की गलती नहीं करना चाहता। एक रिपोर्ट के अनुसार कुरैशी ने कहा है कि हमारी अपनी संवेदनशीलता है, आपको ये समझना होगा, खाड़ी देशों को ये समझना होगा। हम भावुक होकर ये बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने बयान से होने वाली खलबली को पूरी तरह समझते हैं। ये सही है, मैं सऊदी अरब से अच्छे संबंधों के बावजूद अपना रुख स्पष्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक कश्मीर पर सऊदी अरब के कदम नहीं उठाने से पाकिस्तान की कुंठा बढ़ती जा रही है। बता दें कि जब से भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 आर्टिकल हटाया है, तब से पाकिस्तान कभी संयुक्त राष्ट्र तो कभी ओआईसी में इसे उठाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में समर्थन न मिलने के बाद पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी में इस मुद्दे को फिर से उठाया, लेकिन यहां भी उसे निराशा ही मिली, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने इस मुद्दे पर साथ नहीं दिया। सऊदी अरब मुस्लिम देशों का वास्तविक नेता है और उसने कश्मीर मुद्दे को भारत का आंतरिक मामला बताकर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इसी के परिणाम स्वरूप अब पाकिस्तान इस्लामिक ब्रदरहुड से अपील कर अपना दुखड़ा रोना चाहता है। आज के समय में तुर्की अपने आप को मुस्लिम देशों के नेता की तरह बर्ताव कर रहा है और पाकिस्तान जैसे देशों को लगातार समर्थन दे रहा है। उसके समर्थन का नतीजा ये है कि पाकिस्तान सऊदी अरब जैसे देशों पर अब सवाल खड़े करने लगा है, जो उसके कई मोर्चों पर मदद करता आया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि तुर्की पाकिस्तान की मदद कर सऊदी को सवालों के घेरे में खड़ा करना चाहता है, जिससे सभी इस्लामिक देश उसे अपना नेता मानने लगे। हालांकि सऊदी अरब और खाड़ी के देश पाकिस्तान को इतना हल्के में जाने नहीं देंगे, क्योंकि हर मुसीबत से पाकिस्तान को निकालने के लिए ये देश आगे आते रहे हैं, खासकर सऊदी अरब। सऊदी अरब ने कई बार पाकिस्तान को आर्थिक मदद दी है और पाकिस्तानी मदरसों को सऊदी से पर्याप्त फंड भी मिलता है। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया तो सऊदी अरब ने ही उसे दुनिया के आर्थिक प्रतिबंधों के असर से बचाया था। वहीं साल 2014 में जब पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था भयंकर मंदी का सामना कर रही थी, तब सऊदी ने ही इस्लामाबाद को $1.5 अरब की मदद दी थी। पिछले ही साल क्राउन प्रिंस MBS ने पाकिस्तान में पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा और खनन परियोजनाओं में $20 अरब के निवेश की घोषणा की थी। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्रोत है। ये पाकिस्तान को व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान करता है और सऊदी अरब में काम करने वाले करोड़ों पाकिस्तानी प्रवासियों से रेमिटेंस भी पाकिस्तान के लिए विदेशी मुद्रा का एक स्रोत है। यानी देखा जाए तो पाकिस्तान सऊदी अरब पर अत्यधिक निर्भर है। जब भी पाकिस्तान को आवश्यकता पड़ती है
तो हर बार वो अपना भीख का कटोरा लेकर खाड़ी के देशों के पास पहुंच जाता है। इनके खिलाफ जाना पाकिस्तान को सिर्फ भारी ही नहीं पड़ेगा बल्कि उसके अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। पाकिस्तान को तुर्की की गोद में जाता देख सऊदी अरब ने जब पाकिस्तान से $1 बिलियन लोन की भरपाई की बात कही तो सऊदी का कर्ज चुकाने के लिए अब पाकिस्तान ने चीन से भीख मांगी और कर्ज चुका दिया। स्पष्ट है कि चीन और तुर्की के सहारे पाकिस्तान अब खाड़ी देशों को भी आंख दिखा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आई कि सऊदी अरब से कर्ज भरने की बात कर बस एक शुरुआत की है उसने, और यदि अन्य देश भी सऊदी की तरह सख्त हुए तो पाकिस्तान न घर का रहेगा और न ही घाट।